सही है, ऑल फाइन, इजी, रिलैक्स, छोड़ दो, रिलैक्स, इजी। ओ बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई। बच गया भाई, जिंदा हूँ, सही है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पीडीसी पंजाबी ते असीं अज लैके आए हां तुहानूं इक अजिही जगह ते कि तुसी वीडियो देखोगे एंटरटेनमेंट तो होगा ही, नाल दी नाल तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा। ते अज आपां करांगे डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, और कायरोप्रैक्टिक का जो असली मतलब होता है हाथ से काम करना है। अगर मैं इसके नेक को, हाथ को कहीं पे भी रिलीज कर रहा हूँ, मसाज कर रहा हूँ, वो भी कायरोप्रैक्टिक में ही आती है। बट जो चीज कट कट करना बोलते हैं उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट से क्या होता है, आपके जो जुड़े हुए जॉइंट्स होते हैं, जैसे ही आप उन पर स्ट्रेच करते हो एक पॉपअप साउंड आती है, उससे सारे जॉइंट्स का प्रेशर रिलीज होता है। और कई बार जॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, जैसे कि आप कोई लेफ्ट की तरफ झुक खड़ा होता है या राइट की तरफ, उसका स्पाइन टिल्ट करने लग जाता है। तो देखिए 90% कायरोप्रैक्टिक सिर्फ स्पाइन के ऊपर होती है जी, क्योंकि वही सारे आपके आर्म्स को लेग्स को कंट्रोल करता है। जैसे ही हम उससे स्ट्रेस हटाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो पेशेंट बहुत अच्छा रिलीफ करता है। यही हम हर जगह हर साइंस में देखते हैं, अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो ये आप हेल्दी है। एक एक सर बहुत सारिया वीडियोस देखी है, वीडियोस दे विच ऐदा जदा करदे ओदा आवाज आउंदी एकदम हड्डियां दी कर कर करके, तो मतलब वो किदा मतलब रिलैक्स जो हुंदा है बॉडी एकदम, की उसके पीछे की राज है? सिंपल सी चीज है, जो चीज आपकी जकड़ी हुई है आपकी, जैसे ही खुलेगा आपका ब्लड फ्लो बहुत सारा बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो जैसे ही जाता है आपकी मसल्स और जॉइंट्स सारी चीजें रिलैक्स हो जाती हैं, और आपको लगता है इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, कोई पेन किलर काम नहीं कर सकता, जो कि वो 2 मिनट का एडजस्टमेंट आपके लिए काम कर सकता है। मेरे हिसाब से लगता है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका कितने ना कितने मसल स्टिफ हो जाते हैं, तो उन्होंने मे भी करवाना चाहिए। वो तो भी इतने स्टिफ होते हैं कि हम कई बार 4-5 दिन लगे रहते हैं तब कहीं जाके हासिल करते हैं। मसल का साइज बढ़ जाता है तो गर्दन भी कई बार नहीं घूम पाती, शो वो वैसे ही आप सब जानते हैं ऐसे अकड़े हुए होते हैं, उसमें गर्दन नहीं उनकी इतनी चलती, तो आप कहाँ से इतना सारा खोल पाते हैं। तो मतलब मेरे नाल आज बहुत बुरी होने वाली, क्योंकि मैं भी जिम करता थे काफी एक साल तो कंटिन्यू कर, मेरे ना वैसे भी बैक से बहुत पेन हो रहा है, तो देख दे आज किदा एक्सपीरियंस रहता है। पर वीडियो तो पहला मैं ये था नहीं, डर भी लग रहा है, क्योंकि कितने कितने मैं वीडियो देखी थी कि गर्दन एकदम पूरी रोटेट। वो नाइक की वीडियो है, नाइक ने किया था, किसी भी कायरोप्रैक्टर ने पूरे वर्ल्ड में कहीं पे किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो पहले तो 4-5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में वो अच्छे से सीखने में अगले 4-5 साल लगाते हैं। 10 साल के प्रैक्टिस के बाद कोई सीखेगा तो किसी की जान तो नहीं ले सकता, अंटिल वो बिल्कुल ही यू नो संख्या। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेने, स्टार्ट कर दे सेशन, देखते हैं कितना एक्सपीरियंस रहता है। पहले सेशन में ये भी करेंगे ताकि जॉइंट्स और अच्छे से खुल जाए, हम कपिंग थेरेपी करेंगे। कपिंग थेरेपी आपके स्किन को रिलीज करने के लिए होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें खून का बहाव जाए। उसके बाद में हम ड्राई नीडलिंग करेंगे, जो कि एक्यूपंक्चर जैसा ही होता है लेकिन सिमिलर नहीं होता है, ताकि जो मसल जो बॉडी बिल्डर्स की टाइट मसल है उसको भी लूज कर सके। और फिर फाइनली हम एडजस्टमेंट दिखाएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपके जॉइंट्स खुल सके। चलो स्टार्ट करते हैं सर। चलो लेट्स गो। टी शर्ट निकाल देंगे, देखेंगे। तो ये होते हैं कफ्स, बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरे कफ्स हैं, जो कि हम इसके बैक पे लगाएंगे। और एक और चीज, जो इससे जो निशान आते हैं वो कोई हार्म नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जितनी देर हमने उनको प्लेस किया है वो उतनी देर वो खून रोकते हैं। वो उस तरह से होता है जैसे कि अगर पाइप में बीच में हाथ से दबा दें तो पानी रुक जाता है, पर जैसे ही खोलते हैं तो प्रेशर पहले से ज्यादा जाता है। तो यही प्रोसेस हम इनके अनमोल के साथ भी करने वाले हैं, और अनमोल घबराना मत बिल्कुल भी, सब सही तो रहेगा ना। हाँ, वन पीस में जाओगे भाई, खींच रहा है कुछ। हाँ, ये 2-4 मिनट फर्स्ट टाइम अनमोल, कभी कभी कपिंग भी नहीं कराया? नहीं सर, पहली बार। नाइस। अनमोल एज क्या आपकी? 28। ओह गुड। अनमोल एक पूछो, पूछो हजामा और इसमें कपिंग में क्या डिफरेंस होता है? हाँ हजामा नहीं, अभी नहीं, अनमोल आप पूछो। सर एक चीज और है, जो हजामा और कपिंग होती है इसमें क्या डिफरेंस रहता है? हिजामा भी बहुत एंशियंट साइंस है। हिजामा में हम इसी कप को लगा के प्लेट से इस पे मार्क करते हैं ताकि ब्लड यूज आउट होता है। ब्लड जैसे ही जमा होता है उसके साथ में प्लाज्मा निकलता है, जो कि वॉटरी पार्ट होता है, और जहां पे भी जिसको पेन होता है, जैसे प्लाज्मा निकलता है, प्लाज्मा में बहुत सारे हीलिंग फैक्टर्स होते हैं, रीजनरेटिंग फैक्टर्स होते हैं,
वो रीजनरेटिंग फैक्टर्स उसकी दर्द को पेन को हील करता है. और एक और बहुत एंशियंट बिलीव है वो सब रिलीजन में है कि वो डिटॉक्स करता है. डिटॉक्स का मतलब ये है कि कोई भी गंदा खून है वो बाहर निकलता है. बट साइंटिफिकली हम इसको नहीं मानते, बट फेथ या रिलीजन के हिसाब से हम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं. ये यही तो फील है, सारा मजा इसी में तो है. मजा नहीं आ रहा था. दो चार मिनट की बात है, देन यू विल फील नाइस. कैसा लग रहा है मूल भाई? ऐसे लग रहा है कि जिम्मे ना ऐसा किसी ने फड़ के कोई बदला ले रहा मेरे तो. जरूरी है उतना ही हम अप्लाई करते हैं, यही बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं. बट फायर कपिंग देखने में बहुत अमेजिंग लगता है और उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते कितना वैक्यूम क्रिएट करना है. ओके और इसको जो लगा के खोला जाए डॉक्टर की सुई से बड़ा डर लग रहा है तो. नहीं ये तो बहुत पतली है तो कैमरा की कैमरा इसके नेक को भी नहीं पकड़ पाएगा. लंबी लग रही है बहुत है. नहीं नहीं भाई खून वून खून निकलेगा क्या? नहीं कोई खून नहीं निकलेगा. सच्ची डर लग गई अंदर यार. फेस डाउन करो फिर. कुछ फील हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, पता भी नहीं लग गया. डर तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेकिन जो जानता है करना. जो तुसी एक्यूपंचर कर रहे हो वो एक्यूपंचर नहीं है, इसको हम ड्राई नीडलिंग बोल सकते. ड्राई नीडलिंग बट जो व्यूअर्स हैं समझने के लिए समझ सकते हैं कि एक्यूपंचर है. बट एक्यूपंचर थोड़ा सा बट मोर ऑर लेस जितना डर था उसके आगे क्या था? लग गई सारी. भाई कौन सी मूवी है वो? फाइनल डेस्टिनेशन. फाइनल डेस्टिनेशन वाला था. लेफ्ट साइड नेक के पास फील हो रहा है जहाँ टोन ज्यादा होगी. हाँ, कि कुछ अंदर किया है. जहाँ टोन ज्यादा होगी, टोन एक टाइटनेस एक बैंड को बोलते हैं कि बिल्कुल ज्यादा हार्ड है. जब नील जाती है तो उसको रिलैक्स करना चालू करती है. और वो रिलैक्स हो रही होगी तो इसको ये फील हो रहा होगा कि कुछ चीज लूज हो रही है. तो इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसी को मसल टोन को कम बोल करना बोलते हैं. और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मोर ऑर लेस बहुत अच्छी शेप में है. Yes. अब मैं नील को ये हमारा डिस्प्ले में बहुत मजा आया. आपकी छोटी हो गई है. लेटिंग भाई बचा लेंगे कुछ हो गया से. टूटे बूटे का तो नहीं ना सर? गारंटी है. पक्का? पक्का. देख वाला स्पाइन निकाल के साइड में रख देंगे. ये सबसे अच्छी गारंटी है. सही लेट गया ना? परफेक्ट. इजी रखेंगे. रिलैक्स. डर लग रहा है ना? इजी. ओके. सांस छोड़ना है. Breathe out. Breathe out. समझ नहीं आ रही. ओह माय गॉड. भाई क्या था ये? सब खुला? सब कुछ ही खुल गया. कुछ बचा नहीं. Oh.
इजी, शोल्डर पीछे जाने देंगे, इजी, सांस नहीं रोकनी है, ओके, इजी, ब्रीद आउट, ये हड्डी टूटी तो नहीं है ना कोई कर कर रहे उठ के देख सही है ना यार एक मेरा दोस्त ऐसे करते होते हैं ना पकड़ के वैसे कुछ कड़ा के निकालते हैं बट नकली वो फील जरूर ऐसे करते हो तो चीजें बहुत बेटर होती हैं इसको मोड़ेंगे रिलैक्स शोल्डर को पीछे जाने दो इजी करो सांस लो यस ये थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो साइड्स की कंपैरिजन में ओके छोड़ दो सांस हुआ कुछ तो हुआ बहुत सारा हुआ कुछ तो हुआ बहुत सारा हुआ कर कर आवाज आई ना आवाज आई ना सीधा ले लेंगे एक करेंगे हाथ रिलैक्स कर लो इजी ये वीडियो देखी थी सर मतलब पूरी अद्धा तो गंदी वीडियो क्यों देखी अच्छी वीडियो देखते हैं ना जिसमें आराम से करते हैं कुछ नहीं होएगा ना कुछ नहीं होगा सबूत है मेरी गर्दन बिल्कुल सही है वापस अद्धा होनी चाहिए थी इजी रिलैक्स इजी इजी ओ बुद्ध सही है ऑल फाइन सही है रिलैक्स छोड़ दो रिलैक्स इजी ओ बहुत ज्यादा हुई बहुत ज्यादा हुई बच गया भाई जिंदा हूँ सही है अब वॉक करके देखो कैसा फील कर रहे हो ये सारी चीजें हुई हैं तो देखो फेस देखो इसका मुझे रियल नहीं लग रहा है मतलब रियल नहीं लग रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बहुत टाइम तो बाद सो के उठा बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई है एकदम ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है ऐसा लग रहा बॉडी में जो मैं ऑक्सीजन था ब्लड फ्लो हो गया बहुत ज्यादा और मेरे जो पेन हो रहा था ना एक्चुअली बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जो सही हो गया वेरी गुड भाई मजा आ गया थैंक यू सो मच सर सी यू अब जल्दी से हम आपका फोटो असेसमेंट भी कर लेते हैं डॉक्टर शहदाज फोटो असेसमेंट करके दिखाएंगे कि क्या होता है कि कई लोगों को पांव में एड़ी में दर्द होता है तो क्यों होता है उसका हम कैसे इलाज करते हैं डॉक्टर शहदाज दिखाएंगे आप इसमें सेम सर जो ये रहेगा ना एक्यूप्रेशर इनका भी क्योंकि ऐसे वो करेंगे हम दोनों करेंगे आ जाओ बैठना हां शूज निकाल देंगे तो अमोल कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई सच्ची कहना यार एक्सपीरियंस मैं बयान नहीं कर सकता किवें दा बहुत ही वधिया एक्सपीरियंस है बहुत वधिया लग रहा मतलब अपा बचपन दे विच या किवें ऐदा पिंडा दे विच देखदे आ कि अपा खेल दंदे ता अपा ऐदा उपर करदे आ ताकि यार साडा ना इथों रिलैक्स हो जाए तो सोचो यार एनी बॉडी दे विचों कड़ाके निकले हर जगह ही रिलैक्स हो जाएगी ताकि किदां दा फील होएगा एक बार जरूर जेड़े भी मैं बार बार रिकमेंड कर रहा कि जेड़े भी लोग ज्यादा वर्कआउट करते हैं वैसे भी नॉर्मल लोगों के मसल स्टिफ हो जाते हैं मसल अकड़ जाते हैं तो एक बार ये सैशन जरूर करवाना चाहिए ताकि ये क्योंकि ना बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी ऑक्सीजन लैवल ब्लड फ्लो बच जाएगा तो बस दैट्स इट मजा आ गया मजा आ गया भाई डर भी लगता ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता जो मुंडी ऐसा मरोड़ी ना भाई लगे गया खत्म अब सीधी नहीं होगी ताकि तो मैं कह भाई पहला चेक कर लो बिफोर आफ्टर सही होना चाहिए चार तरह मूवमेंट करनी चाहिए तो मेरा बहुत बढ़िया सीगा मजा आ गया हुन कुछ अलग कर रहे मैम क्या कर रहे हैं हम फुट असेसमेंट करेंगे आपका ओके सॉक्स रिमूव कर लीजिए मुझे सब क्लीन करनी थी गंदे नहीं करने ठीक है साफ पैर इंप्रेशंस लेने हैं ना हाँ, तो वो इंप्रेशंस हमारे एकदम क्लियर आने चाहिए ओके मैम अभी आप अपना पैंट जो है अपना जीन्स फोल्ड कर लेंगे काफ पर बस इतना होता है सब रिकॉर्ड कर लेंगे
तब हम ऐसी करने जा रहे हैं फिर फूड एसेसमेंट मतलब किस लिए होता है ये इसलिए होता है जैसे सॉरी इट्स ओके फाइन इसलिए होता है कि आपका जब आप यहाँ खड़े होंगे तो ये आपको स्कैन करेगा आपका इम्प्रेशंस वो इम्प्रेशंस जो कि नॉर्मल होने चाहिए एक शेप होती है पैरों की हमारे जो नीचे से हम देखते हैं एक शेप होती है उसको हम आर्चेस बोलते हैं तो हम आपके आर्चेस असेस कर रहे हैं अभी जो वो आर्चेस आपके शेप देखेगा वो हाई आर्चेस है लो आर्चेस है आपका नॉर्मल शेप है कोई भी अगर उसमें इम्बेलेंस होता है तो ये आपका चलो करते हैं अभी कुछ नया एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पीछे जाएंगे अभी ऐसे वी शेप बनाएंगे जैसे कोई भी गाड़ी होती है उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स लगे रहते हैं आपने देखा होगा शॉक एब्जॉर्बर्स लगे रहते हैं उसमें तो इसी तरह से जो हमारे बॉडी में आर्चेस रहते हैं फुट आर्चेस जो होते हैं वो एज ए शॉक एब्जॉर्बर हमारी बॉडी में काम करते हैं तो कोई भी अगर इंजरी हो रही है किसी जैसे गाड़ी चल रही है तो कोई भी उसमें जर्क आ रहा है झटका आ रहा है तो शॉक एब्जॉर्बर्स किस लिए रहते हैं कि उस झटके को बचाने के लिए उससे अंदर की गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचे इसी तरह से हमारे बॉडी के जो आर्चेस रहते हैं वो हमारी बॉडी को इंजरीज से बचाने के लिए रहते हैं अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे रहता है तो हमारी बॉडी में इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी में इम्बेलेंस आ जाता है बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके बाद हमें फेस करनी पड़ जाती है तो मैं नॉर्मल आपको दिखा देती हूँ किस तरह का होना चाहिए ये मिडल आपको फुट दिखाई दे रहा है इसमें 15-20% कांटेक्ट रहना चाहिए ठीक है ये कांटेक्ट रहेगा ये नॉर्मल आर्चेस कहलाता है इससे अगर थोड़ा भी कम है या ज्यादा है जो कम रहता है वो बाय बर्थ रहता है इसको हम हाई आर्चेस बोलते हैं बट आपका हम देख रहे हैं तो इम्प्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसको हम लो आर्चेस बोलते हैं बाय बर्थ आपका हाई आर्चेस ही रहा है क्योंकि आप ये देख रहे हो ना बीच में गैप बहुत लाइट है आपका सारा वेट या तो हील्स पर आ रहा है या फोर फुट पे आ रहा है हील्स पे ज्यादा आता है मुझे ऐसा फील होता है ज्यादा या फिर फोर फुट पे ज्यादा आ रहा है बट मिडिल फुट में आपका वेट नहीं आ रहा ओके तो आप बाय बर्थ आपके हाई आर्चेस थे बट वो क्या रहते हैं हाई आर्चेस इनस्टेबल आर्चेस रहते हैं तो उसमें क्या है कभी तो वो लो हो जाते हैं कभी आपको वो हाई के जैसे दिखाई देंगे बट आपका पैर अगर आप देखेंगे तो आपको पैर आपको फ्लैट फीट की तरह नजर आएगा तो इसी तरह से वो जब आर्चेस आपके लो होने लग जाए इसकी वजह से आपके बॉडी में इम्बैलेंस भी जरूर आया होगा कहीं ना कहीं जो आपका लोअर बैक पेन है इसका एक रीजन ये भी रहा होगा मेरे ऐसे भी होता है ना जैसे कि शूज होता है वो एक साइड से ज्यादा घिस जाता है क्योंकि आपका वो सारा वेट जो है आप एक साइड पे डाल रहे हो हमेशा अभी भी खड़े रहते हो मैं आपके एंगल्स भी आपको दिखाती हूँ आगे वो भी आएगा इसमें ठीक है अभी आप टर्न कर लेंगे घूम जाइए और अभी दोनों को पैरेलल रखेंगे ठीक है इसी पोजीशन में नीज बेंड करेंगे दोनों घुटने मोड़ लीजिए थोड़ा और अभी वापस सीधे हो जाइए अभी आप टोज को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से अच्छे से स्ट्रेच करके उठाइए वापस घूम जाइए अभी मैंने अभी आपके तीन पिक्चर्स ली हैं एक इनके खड़े रहने के लिए है एक जब ये चलते हैं या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तब के लिए है और एक हम इनके आर्चेस को कितना करेक्ट कर सकते हैं तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि नॉर्मली हमारे एंगल्स कैसे होने चाहिए जो न्यूट्रल एंगल्स होते हैं हमारा काफ एंकल और हील एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए तब हमारा पॉस्चर भी एकदम स्ट्रेट रहेगा ठीक है सारे जॉइंट्स अपनी जगह पे हैं कहीं कोई डेविएशन नहीं है कोई डेविएशन नहीं होगा तो पेन भी नहीं होगा कोई मसल्स जो है अफेक्टेड नहीं है बट आपका अगर हम देखते हैं ये आपका स्टैंडिंग फेज है ये हमारा एक न्यूट्रल लाइन है जो हम जिसके अकॉर्डिंग आपको ये मेजर करेंगे तो ये एक डेविएशन आ रही है क्योंकि आपका अभी आप बोल रहे थे ना कि मेरा एक साइड से जूता घिसता है वो यही रीजन है कि आपका ये एंगल अंदर की तरफ ये पैर आपका अंदर की तरफ पड़ रहा है तो अंदर की तरफ से आपका जूता घिसता होगा ओवरप्रोनेशन दिस इज कॉल्ड ओवरप्रोनेशन तो ये ओवरप्रोनेशन ही ऐसा दिखाई देता है जब ये ओवरप्रोनेशन हमारे पैर ओवरप्रोनेशन में है तो हमारा पोस्चर कैसा दिखाई देता है ये मैं ऐसे दिखता हूँ क्या सही में चलता हुआ चलते हुए ऐसे नहीं दिखेंगे बट अगर आप असेस करेंगे अगर आप देखेंगे कि मेरा वेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है मैं कैसे खड़ा हूँ तो आपको ऐसा ही दिखेगा ठीक है इसके वजह से क्या रहता है यहाँ डेविएशन आया है तो आपका